नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BS ऑनलाइन स्टडी में मैं रणविजय कुमार सारस्वत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री को पढ़ा। अब हम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में पूछे जाने वाले पार्ट सेकेंड वर्तनी शुद्धि से संबंधित पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखेंगे, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन इस पार्ट से भी आता है, वर्तनी शुद्धि से 10 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न? इससे आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा में 10 प्रश्न। कितने प्रश्न? 10 प्रश्न आते हैं। तो सर्वप्रथम इसको समझने के लिए वर्तनी शुद्धि से संबंधित हमें कुछ नियमों को जानना जरूरी है। जब तक हम नियम को नहीं जानेंगे, तब तक हम वर्तनी शुद्धि नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें नियम जानने की बहुत ही जरूरत है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि, हमारी हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हम हिंदी भाषा का प्रयोग देवनागरी लिपि में करते हैं। तो देवनागरी लिपि की कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जो विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं। नंबर एक, यह कहता है कि अ के लिए कोई निश्चित मात्रा नहीं होती है। इसके लिए अ के लिए कोई निश्चित मात्रा नहीं होती है। तो देखिए, यह आ है, आ के लिए कोई निश्चित मात्रा नहीं, ठीक है। आ के लिए कोई निश्चित मात्रा नहीं होती है। जब यह व्यंजन के साथ मिल जाता है, किसके साथ? व्यंजन के साथ। कौन? अ। अ जब किसी व्यंजन वर्ण के साथ मिलता है, तो व्यंजन के साथ मिल जाने से यह व्यंजन के नीचे का जो चिन्ह है, क्या है? व्यंजन के नीचे यह चिन्ह, इसको हम चिन्ह नहीं पढ़ेंगे, इसे हम कहेंगे चिन्ह। इसे शुद्ध हम क्या कहेंगे? चिन्ह कहेंगे। क्योंकि अब हम लोग वर्तनी शुद्धि पढ़ रहे हैं, इसलिए एक एक शब्दों पर भी हमें विशेष ध्यान देना होगा। तो देखिए, जब यह व्यंजन के साथ, कौन व्यंजन के साथ? अवर्ण। जब अ स्वर व्यंजन के साथ मिल जाता है, तो व्यंजन के नीचे का चिन्ह नहीं लिखा जाता है। अब ये देखिए, जब मिल गया तो अब ये हो गया, ठीक है। अब क पूरा, ये देखिए यहां है, क धन अ बराबर क, ख धन अ बराबर ख। अभी हमने नियम में पढ़ा है कि अ वर्ण जब किसी व्यंजन के साथ मिलता है, तो उस व्यंजन वर्ण के नीचे का हलंत चिन्ह जो है, यह हलंत चिन्ह नहीं लिखा जाता है। उसी तरह च है, च के साथ हलंत है, और अ है, हो गया च, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए नियम नंबर दो क्या कहता है। नियम नंबर दो कहता है कि आ, ई, ओ, औ, अ, ई, ओ, औ, ये जो चार मात्राएं हैं, अ, ई, ओ, औ की मात्राएं व्यंजन के बाद जोड़ी जाती हैं। कब जोड़ी जाती हैं? व्यंजन के बाद जोड़ी जाती हैं। देखिए कैसे। अब देखिए, व्यंजन वर्ण है, जैसे मान लीजिए व्यंजन वर्ण ता, क्या है? हम मान लेते हैं कि व्यंजन वर्ण ता है। अब ता के बाद, पहले नहीं, ता के बाद क्या जोड़ दिए? आ जोड़े, तो हो गया ता, हुआ कि नहीं? अब देखिए, ता यहां व्यंजन वर्ण है, और ता में आ जो है वह स्वर वर्ण है, ठीक है। वह व्यंजन, ता व्यंजन है और आ स्वर है। इसी तरह हम लिखेंगे त धन ई, ई, तो ता में जब ई जोड़े तो ती,
अब देखिए ता यहां व्यंजन है और ई स्वर है। इसी प्रकार से हम ता के साथ ओ औ को जोड़ते हैं, इसको ता के साथ जब हम ओ जोड़ेंगे तो ओ जोड़ेंगे तो अब देखिए ता व्यंजन है, ता क्या है व्यंजन है, ओ क्या है स्वर। तो इस प्रकार से हमने देखा नियम नंबर दो में कि जब कोई व्यंजन वर्ण होगा किसी भी व्यंजन वर्ण के साथ जब हम आ ई ओ औ को जोड़ते हैं तो यह सदैव व्यंजन वर्ण के बाद जोड़े जाते हैं। फिर देखिए जैसे का का व्यंजन है, क्या है का व्यंजन है, का के साथ आ लगा है, आ क्या है आ स्वर। इसी तरह यहां का व्यंजन है और का व्यंजन के साथ ई लगा है, यहां का व्यंजन है और का के साथ ओ लगा है, यहां का व्यंजन है और का के साथ औ। ठीक है, तो इस तरह से यह हुआ कि आ ई ओ औ ये चार मात्राएं ऐसी हैं जो सदैव व्यंजन के बाद जोड़ी जाती हैं। इसके बाद व्यंजन वर्ण के बाद जोड़ी जाती हैं। फिर देखिए नियम नंबर तीन। अब नियम नंबर तीन हमारा कहता है कि ई की मात्रा, कौन सी मात्रा, ई की मात्रा देखिए नियम नंबर तीन कह रहा है कि इक की मात्रा व्यंजन के पहले तथा ए आई की मात्रा व्यंजन के ऊपर जोड़ी जाती है या लगाई जाती है। देखिए कैसे इक की मात्रा व्यंजन वर्ण के पहले तथा ए आई की मात्रा व्यंजन वर्ण के ऊपर लगाई जाती है। तो अब देखिए कैसे लगाई जाती है, देख लीजिए नियम नंबर ए है। अब नियम नंबर ए कह रहा है जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया री रा ले लिया री, अब री के साथ री में ई है और र है। अब देखिए ई हमेशा क्या है, ई व्यंजन वर्ण के पहले लगा है इसलिए इसे हम कह दिए री। फिर इसी तरह हम ले रहे हैं रे, रे है रा है और रा के साथ ए लगा है, ये देखिए ये है ये है ये रा है, तो यह व्यंजन है और ये स्वर है। फिर इसी तरह से रे है, रे में रा व्यंजन है और आय क्या है, यह आय स्वर है यह व्यंजन है। अब आप देखिए कि अभी हमने नियम में पढ़ा है कि ई तथा ए आय की मात्राएं, ई की मात्रा व्यंजन वर्ण के सदैव पहले तथा ए आय की मात्रा के। अब नियम नंबर चार की बात करते हैं। नियम नंबर चार क्या कहता है, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा ऊ तथा री की मात्रा व्यंजन वर्ण के नीचे लगाई जाती है, किसके नीचे व्यंजन वर्ण के नीचे लगाई जाती है। जैसे आपके सामने एक उदाहरण दिया गया है क का व्यंजन वर्ण है, अब देखिए का व्यंजन वर्ण के साथ ऊ लगा तो कु, ठीक। फिर का व्यंजन वर्ण है, का व्यंजन वर्ण के साथ ऊ लगा तो कु, फिर व्यंजन वर्ण है का व्यंजन वर्ण के साथ री लगा तो हो गया क्री। देखिए तीनों कंडीशन में यह
उ और री ये तीनों कंडीशन में क्या है, सदर व्यंजन वर्ण के नीचे जोड़े जाते हैं। फिर नियम नंबर पांच की बात करते हैं। नियम नंबर पांच कहता है र व्यंजन में उ तथा उ की मात्रा अन्य व्यंजन वर्ण की तरह न लगाकर इस तरह लगाए जाते हैं। कैसे लगाए जाते हैं अब देखिए, र व्यंजन वर्ण की बात करते हैं। तो र व्यंजन वर्ण में जब र में उ जोड़े तो रु हो गया। अब देखिए र है, र धन उ बराबर रु, र धन उ बराबर र धन बड़का उ, तो इसको हम लिखेंगे एक यम, ठीक है। अब देखिए नियम नंबर छह की बात करते हैं। नियम नंबर छह कहता है कि अनुस्वार और विसर्ग क्रमशः व्यंजन वर्ण के ऊपर या बाद में जोड़े जाते हैं। अनुस्वार वर्ण, अनुस्वार वर्ण तथा विसर्ग क्रमशः, अनुस्वार तथा विसर्ग क्रमशः व्यंजन वर्ण के ऊपर या बाद में जोड़े जाते हैं। जैसे जैसे में देखिए अ न, न, क धन अंग बराबर कं, यहां देखिए अनुस्वार हो गया ऊपर, ये अनुस्वार ऊपर हो गया। उसी तरह यह देखिए अंग क धन अह बराबर क, तो यहां विसर्ग विसर्ग क्या हो गया, व्यंजन वर्ण के बाद हो गया, ठीक है। फिर देखिए नियम नंबर सात की बात करते हैं। नियम नंबर सात क्या कहता है, नियम नंबर सात कहता है कि स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग, स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित एक व्यंजन वर्ण के कितने रूप होते हैं, एक व्यंजन वर्ण के 12 रूप होते हैं। कितने रूप, 12 रूप होते हैं। देखिए फिर से, स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित एक व्यंजन वर्ण के 12 रूप होते हैं, अतः इन्हें हम क्या कहते हैं, 12 खड़ी कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है 12 खड़ी क्या है, तो आप बताइए कि सभी स्वर स्वरों की मात्राएं तथा विसर्ग और अनुस्वार मिलकर के एक व्यंजन वर्ण के 12 रूप होते हैं, इसीलिए इन 12 रूपों को हम 12 खड़ी कहते हैं। जैसे क का कि की कु कु के कै को कौ कं कह, देख लीजिए क का कि की कु कु के कै को कौ कं कह, यह आपको छोटी कक्षाओं में ही पढ़ाया जाता है। जब आप छोटे रहते हैं उसी समय कक्षा एक में इसको आपको पढ़ाया जाता है। फिर देखिए नियम नंबर आठ, व्यंजन दो तरह से लिखे जाते हैं। व्यंजन वर्ण कैसे लिखे जाते हैं, दो तरह से लिखे जाते हैं। नंबर एक खड़ी पाई के साथ, जैसे क क ख ग च त प में एक, ऐसे आपको पाई मिलेगा, ये देखिए खड़ी पाई, इसी को हम कहेंगे खड़ी पाई, ठीक है, खड़ी पाई। दूसरा का है बिना खड़ी पाई के साथ, माने जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ऐसे वर्ण है ङ है छ ट ठ ड ढ र। अब बताइए इसमें कहीं खड़ी पाई का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है, इसलिए यह बिना खड़ी पाई के साथ लिखे जाने वाले वर्ण ये हैं, और खड़ी पाई के साथ इन वर्णों को छोड़कर के जितने हैं सब खड़ी पाई के साथ लिखे जाते हैं। अब नियम नंबर नौ की बात करते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के कोई स्वर ना हो तो दोनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनता है। अब बताइए, जैसे यहां हमने ले लिया क और ता, क और ता इन दोनों में किसी प्रकार का कोई स्वर वर्ण नहीं है, इसलिए इसको हमने लिख दिया त, ठीक है। फिर देखिए त या त और या, तो हो गया त्य, इसमें भी कोई व्यंजन स्वर वर्ण नहीं है। इसी तरह काला में कला हो गया, इसमें भी कोई स्वर वर्ण नहीं है।
अब देखिए नियम नंबर 10 की बात करते हैं, जब एक व्यंजन अपने समान किसी अन्य व्यंजन से मिलता है तो वे द्वित व्यंजन कहलाता है। कैसे? एक ही व्यंजन, जैसे हमने मान लिया न, ठीक, न और न एक ही रूप के हैं, इसलिए एक समान, कह रहा है जब एक व्यंजन अपने समान किसी अन्य व्यंजन से, अब न है और धन न है बराबर न, तो इसका हो गया पन्ना गन्ना, ये है चक्का पत्ता, सही है, ये आपका हुआ।